ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर जातक के जीवन में नौ ग्रहों का असर शुभ या फिर अशुभ पड़ता है। इन नव ग्रहों की अंतरदशा या महादशा चलती है। जिस प्रकार शनि राहु की महादशा होती है, उसी प्रकार केतु ग्रह की भी महादशा होती है। केतु को छह ग्रह माना जाता है, लेकिन इस ग्रह की स्थिति का असर 12 राशियों के जीवन पर कभी न कभी जरूर पड़ता है। इस ग्रह को पापी ग्रह माना जाता है, लेकिन कई बार सही स्थिति पर होने पर भी यह शुभ फल नहीं देता है। जानिए केतु की महादशा, लक्षण, कारण व निवारण का उपाय। अगर जातक की कुंडली में केतु महादशा में है तो उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। केतु का स्वभाव क्रूर होता है, जिसके कारण यह तर्क, बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य और अन्य मानसिक गुणों का कारक माना जाता है। ऐसे में केतु के दोष से मुक्त होने के उपाय, साथ ही जानिए इसके लक्षण। इस दौरान शुभ या अशुभ परिणाम प्राप्त होता है। अंतरदशा 11 महीने से 1.25 साल तक की होती है। केतु की महादशा बुध और शुक्र के बीच आती है। केतु की महादशा बुध और शुक्र के बीच आने से हमारे जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है, जैसे हमारा पढ़ाई में मन न लगना या फिर रोजगार, जैसे हमारे नौकरी में दिक्कतें आना, पैसा समय पर नहीं मिलना या पैसा नहीं टिकना, काम में, दुकान में या फिर पढ़ाई में किसी तरह की समस्याएं उत्पन्न होना, मन न लगना, दुकान में तरक्की न होना, बरकत ना होना, सिर पर कर्जा हो जाना और शरीर से संबंधित समस्याएं, जैसे जीवन में हम बीमार ही लगभग बीमार ही रहते हैं, तो ऐसी ही समस्याओं केतु से निजात पाने के लिए, केतु को शांत करने के लिए उनके कारगर उपाय, जिससे आप काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केतु ग्रह की स्थिति खराब होने पर स्किन संबंधी रोग होना, जोड़ों में दर्द की समस्या, सुनने की क्षमता पर बुरा असर पड़ना, संतान प्राप्ति में किसी न किसी तरह की रुकावट आना, अधिकतर खांसी की समस्या रहना, संतान को किसी न किसी समस्या का सामना करना, तेजी से बाल झड़ना, शरीर की नसों में कमजोरी आ जाती है। केतु के दुष्प्रभावों को कम करने के उपाय। अगर कुंडली में केतु की स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो रोजाना 108 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सा केतवे नमः। शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, इसमें थोड़ी सी दूर्वा भी डाल लें। इसके साथ ही शाम को घी का दीपक जलाएं। तो मित्रों, यदि अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई दोष तो नहीं, राहु केतु दोष तो नहीं या कोई ग्रह दोष तो नहीं जो आप अपने जीवन में बार बार समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो घर बैठे अपनी कुंडली दिखवाएं। आपके सामने दिए नंबर पर आप हमें संपर्क करें, जिसमें आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के माध्यम से कुंडली दिखवा करके अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान को उपाय हमसे पा सकते हैं। तो बताइए मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे भी आपके बीच ऐसे ही सनातन धर्म ज्योतिष संबंधी जानकारी लाता रहूँगा। वीडियो के अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।